नमस्कार दोस्तों, आज 14 सितंबर मंगलवार का दिन हो चला है और आज पूरे उत्तर प्रदेश से चुनावी समाचार के साथ साथ बहुत ही बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल के आ रही हैं जो आपके एकदम काम की है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप और फीस को लेकर बड़ी राहत देने की तैयारी में योगी सरकार, जाने किसे और कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ। यूपी सरकार अनुसूचित जाति के गरीब और जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की योजना में कुछ खास रियायतें देने की तैयारी में है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग की ओर से नई नियमावली तैयार की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस नई नियमावली में छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए मौजूदा प्राप्तांक के कट ऑफ का काम किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति के ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का लाभ पा सके, इसके लिए पात्रता की शर्तें में कुछ और रियायतें दी जाने का प्रस्ताव है। जानकारी के अनुसार बता दें कि यह नई नियमावली जल्द ही मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद जारी कर दी जाएगी। साथ ही नई नियमावली इसी शैक्षिक सत्र से लागू मानी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, मोहन भागवत ने कहा हिंदू मुस्लिम का डीएनए, बयान कुछ हद तक सही कहा मौलाना अरशद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक पर दारुल उलूम के सदर मुदरिश एवं जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मदनी ने कहा कि कुछ हद तक उनका बयान दुरुस्त है। सैकड़ों वर्ष पहले मुल्क के बहुत से मुसलमानों की आदतों मिजाज से प्रभावित होकर हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया था। आज उनकी नस्लें मुल्क में मुसलमान हैं। उन्होंने उदाहरण स्वरूप बताया था कि गुर्जर, राजपूत, त्यागी समेत बहुत सी बिरादरियों ने मुस्लिम अपना लिया था, जिनकी पीढ़ियां आज भी मुस्लिम है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों के हित में योगी सरकार का एक और फैसला, खाद बिक्री केंद्रों की होगी मॉनिटरिंग, स्टॉक भी होगा चेक। जी हाँ, यूपी सरकार ने किसानों को खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने जा रही है। बिचौलियों पर अंकुश लगाने के लिए उसने नई कार्य योजना तैयार की है। खाद बिक्री केंद्रों की मॉनिटरिंग पर जोर दिया जाएगा। सीएम योगी ने सभी बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध खाद का स्टॉक चेक करने, IFMS पोर्टल प्रदर्शित करने के आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और कृषि निदेशकों को इस कार्य में तेजी से जुटने के लिए कहा है। खाद बिक्री में होने वाले घोटालों और बिचौलियों के बढ़ते हस्तक्षेप को देखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, लखनऊ, कानपुर और झांसी के बीच बनेगी अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें। अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण अब उत्तर प्रदेश में भी होगा। डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लखनऊ के आसपास 200 एकड़ से ज्यादा जगह मांगी है। पहले चरण में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। ब्रह्मोस के निर्माण से कानपुर की डिफेंस इंडस्ट्री को भी रफ्तार मिलेगी। कम से कम 70 एंसिलरी यूनिट्स का जन्म होगा। साथ ही बता दें कि पिछले महीने सूबे के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से ब्रह्मोस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महानिदेशक डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने मुलाकात की थी। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य हथियारों का निर्माण यूपी में करने का प्रस्ताव दिया था। साथ ही DRDO की इस इकाई को डिफेंस कॉरिडोर में लगाया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बिहार में याचिका दायर, जाने पूरा मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर निवासी तमन्ना हाशमी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए CJM कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित किया है। तमन्ना हाशमी का आरोप है कि बयान से समुदाय के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। दरअसल याचिका में यह आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना करते हुए सीएम योगी ने एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए कहा है कि पूर्व की सरकार में अबजान करने वाले लोग गरीबों का सरकार हजम कर लेते थे, लेकिन अब उनके राज्य में यह बंद हो गया है। इसी को लेकर तमन्ना हाशमी ने परिवाद दायर किया है। उनका कहना है कि सूबे के एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे सीएम योगी का यह बयान देश को तोड़ने वाला है। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, DL गाड़ी रजिस्ट्रेशन और परमिट को लेकर परिवहन मंत्री का महत्वपूर्ण आदेश। जी हां, RTO कार्यालय से जुड़े काम जल्द ही पूरे होंगे। जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 7 दिनों में काम पूरे करना जरूरी होगा। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और नए वाहनों के परमिट 7 दिनों के भीतर जारी हो जाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक DL 10 दिनों के भीतर जारी होता था, अब 7 दिनों के भीतर DL आपके घर पहुंच जाएगा। लखनऊ समेत प्रदेश भर में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिसकी निगरानी RTO और उप परिवहन अधिकारी करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई से खलबली, 6 अफसरों को सस्पेंड करने का आदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम में वर्ष 2018 में अस्थायी कर्मियों के विनियमितीकरण प्रक्रिया की जाँच रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मचा है। तत्कालीन MD को निलंबित करने के बाद अब इस प्रक्रिया में शामिल रहे निगम के 6 अन्य अफसरों को निलंबित करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है। 6 अफसरों को निलंबित कर
अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की पत्रावली निगम के चेयरमैन सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को भेजी गई है। गौरतलब यह है कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक को निलंबित करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है। वहीं अगली बेहद बड़ी खबर, वायरल बुखार का कहर, सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड में 14 की मौत। दरअसल सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड में बुखार का कहर जारी है। 24 घंटे के अंदर 14 और मौतों से चारों तरफ दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि प्रभावित इलाकों से लोग पलायन करने लगे हैं। बुखार से सबसे अधिक 4 मौतें बुंदेलखंड के महोबा में हुई। यहां बुखार से मरने वालों की संख्या 15 से ऊपर पहुंच चुकी है। साथ ही बांदा में भी 24 घंटे में बुखार से 3 लोगों की जान चली गई। पूरा बुंदेलखंड वायरल और डेंगू की चपेट में है। कानपुर देहात में बुखार से 2 और लोगों की मौत हो गई, जबकि यहां अब तक 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। जिले के प्रभावित इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं। कन्नौज में भी बुखार से 1 और मौत हुई। यहां बुखार से मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई है। तो वहीं कानपुर में बुखार से 2 और लोगों की जान चली गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आपके घर भी लगा है बिजली मीटर तो जरूर पढ़ ले यह खबर, होने वाला है बड़ा बदलाव। लेजा के करीब 2 लाख उपभोक्ताओं के स्मार्ट पोस्ट पेड मीटर अब प्रीपेड में बदल जाएंगे। पावर कारपोरेशन के MD पंकज कुमार ने सभी डिस्कॉम के MD को पत्र लिखकर शत प्रतिशत प्रीपेड मीटर से बदलने का आदेश दिया है। MD के आदेशानुसार उपभोक्ता का पिछले महीने का बिजली बिल बना हो, यदि उपभोक्ता ने किसी भी माध्यम से बिल संबंधित शिकायत की है तो 7 दिनों में बिल संशोधित किया जाएगा। साथ ही पोस्ट पेड से प्रीपेड में बदलने से पहले उपभोक्ताओं को SMS और WhatsApp पर सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रीपेड में परिवर्तित उपभोक्ताओं को 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, जिस दौरान वह बिजली बिल जमा कर सकेंगे। गौरतलब यह है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर 100% प्रीपेड स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, CM योगी का पुलिस को निर्देश, थानों पर करे जनता की सुनवाई वरना होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि थानों में आने वाली जनता की शिकायतों का त्वरित और गुणवत्ता निस्तारण कराएं। लेकिन टालमटोल एवं जानबूझकर विलंब करने वालों पर कार्रवाई करें, इसकी नियमित समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से संतुष्ट कराने की कोशिश होनी चाहिए, न कि उसे टालने की। साथ ही CM योगी आदित्यनाथ ने हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में 150 एवं यात्री निवास में 250 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के प्रधान कार्यालय के समीक्षा लाल कक्ष में बैठकर 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं एवं आमजन की समस्याओं की सुनवाई की। सुनवाई का यह सिलसिला सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ तो तकरीबन 8:30 बजे तक जारी रहा। लेते हैं अगली बड़ी खबर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी सहित यूपी के 13 शहरों में अब कटेंगे केवल ई चालान। यूपी के 13 शहरों में अब नियम तोड़ने पर केवल ई चालान कटेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन विभाग और यातायात विभाग को इस संबंध में गाइडलाइन भेज दिया है। 3 महीने के भीतर वाहन चालान व्यवस्था 100% डिजिटल कर दी जाएगी। साथ ही मंत्रालय ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले 13 शहरों में वाहन की भीड़ ज्यादा होने पर ऑनलाइन चालान काटने के निर्देश दिए हैं, जिनमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, खुर्जा, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ शहर शामिल किए गए हैं। वहीं अगली बेहद बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 18 से 25 साल की उम्र वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज, अक्टूबर से टैबलेट देगी योगी सरकार। यूपी सरकार बजट में की गई घोषणा के मुताबिक विद्यार्थियों के बीच टैबलेट का वितरण अक्टूबर से शुरू करेगी। प्रदेश भाजपा ने ट्वीट कर इन जानकारी को साझा किया है, जिसमें लिखा है कि 18 से 25 आयु के सभी विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर में टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही बता दें कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की थी, जिसके तहत स्नातक, स्नातक तकनीकी और डिप्लोमा धारी नौजवानों को इस योजना से जोड़ते हुए टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाना है। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में 3,000 करोड़ के कोष्ट का गठन किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपी में BJP के साथ मिलकर सरकार बनाएगी बसपा, सतीश मिश्रा ने दिया यह जवाब। बसपा के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद भी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बसपा स्पष्ट बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। बसपा के महासचिव ने कहा कि हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन यूपी विधानसभा के लिए हम न तो किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे और न ही समर्थन लेंगे। उन्होंने कहा कि बसपा 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है, साथ ही चुनाव के बाद किसी भी अन्य परिदृश्य की स्थिति में हम कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेते हैं अगली बड़ी खबर, अखिलेश का आरोप, बच्चों को खाना देने के बजाय बीमारियां परोस रही भाजपा सरकार। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की गिरती साख देखते हुए कई विधायक अब दूसरे रास्ते तलाशने लगे हैं। जनसाधारण का भरोसा अब समाजवादी पार्टी पर ही है। भाजपा सरकार राज्य का सत्यानाश करने के बाद बाज नहीं आ रही। साथ ही अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है।
महिलाएं व बच्चियां सर्वाधिक अपमानित और दुष्कर्म पीड़िता है। भाजपा के झूठे वादों की लंबी फेरिस्त है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। कोरोना महामारी के दौर में अस्पतालों में बेड दवा इलाज के अभाव में लोगों की जाने चली गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भर्तियां को लेकर काफी असंतोष है। राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। दोस्तों, आप अखिलेश यादव की बात से सहमत है या नहीं, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही चुनावी समाचार के साथ साथ बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।